दिल्ली का कल आजकल कार्यक्रम और आइए नजर डाल लेते हैं अब तक की बड़ी सुर्खियों पर। हरदास कौर संधू बनी मिस यूनिवर्स 2021, 21 साल बाद भारत की बेटी को मिला खिताब। हरनाज का भव्य अंदाज में स्वागत करूंगा, मिस यूनिवर्स 2021 के परिवार ने कहा। तमन्ना की गुरुतुदा सीता कलम को मिली फरवरी 2022 की रिलीज डेट। जैकलिन नोरा को मिली बीएमडब्ल्यू, सुकेश चंद्रशेखर से महंगे तोहफे, ईडी की चार्जशीट से पता चला। डब्ल्यूएचओ का खुलासा, डेल्टा स्ट्रेन की तुलना में अधिक संक्रामक है कोरोना का ओमिक्रॉन वेरियंट। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के उद्घाटन के बाद पीएम मोदी ने वाराणसी में की संत रविदास की पूजा। उपराष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष ने 2001 के संसद हमले में जान गंवाने वाले कर्मियों को श्रद्धांजलि दी। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव बोले, भाजपा भगवान के सामने झूठ बोल रही है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के अंतर्गत सपा सरकार में हुआ करोड़ों का आवंटन, पैदल जीवी बताए मेट्रो का क्या हुआ, अखिलेश यादव का बीजेपी से सवाल। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की दो टूक, विपक्ष सत्ता में होती तो नहीं पूरा होता राम मंदिर और काशी विश्वनाथ धाम का सपना। सोनिया गांधी ने शिक्षा मंत्रालय सीबीएसई से कक्षा 10 के अंग्रेजी प्रश्न पत्र में प्रतिगामी मार्क वापस लेने का आग्रह किया, माफी जारी करें। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल बोले, विंटर वेकेशन के बाद ही होगा स्कूल खोलने पर फैसला। राज्यसभा के नियमों संविधान के खिलाफ विपक्ष के 12 सांसदों का निलंबन, खड़गे ने कहा। सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाईकोर्ट के भाजपा के सुवेंद्र अधिकारी की गिरफ्तारी पर रोक के आदेश में दखल देने से किया इनकार। दिल्ली में ओमिक्रॉन के खतरे से निपटने के लिए तैयार है सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा। 18 दिसंबर को अमेठी में पदयात्रा करेंगे कांग्रेस नेता राहुल गांधी। एक्टर अरमान कोहली की जमानत याचिका पर एनसीबी का विरोध, कहा थर्ड पार्टी को बेचे ड्रग्स। वॉन वेलकेंस जर्मनी ने लॉन्च किया डायबिटिक फुटवेयर। ऑस्ट्रेलिया ने दक्षिण कोरिया के साथ 1 अरब अमेरिकी डॉलर के रक्षा समझौतों पर हस्ताक्षर किए। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में कैंप के अंदर एक सैनिक ने खुद को गोली मारकर की आत्महत्या। सीएक्यूएम की अनुमति के बाद एचएमडी ने सीरिंज सुई का उत्पादन फिर से शुरू किया। दिल्ली हाईकोर्ट ने शालीमार बाग में शराब की दुकान के लाइसेंस पर आबकारी विभाग को नोटिस जारी किया है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर परियोजना में शामिल मजदूरों के प्रति पीएम मोदी ने जताया आभार। पीएम मोदी ने ललिता घाट से वाराणसी के रविदास घाट तक नाव की सवारी की। आम आदमी को लगा एक और झटका, नवंबर में खुदरा महंगाई दर 4.35 से बढ़कर 4.91% हुई। डीआरडीओ ने सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेंट टॉरपीडो स्मार्ट सिस्टम का सफल परीक्षण किया। सेना प्रमुख जनरल नरवणे ने रक्षा सहयोग पर ओमान के समकक्ष के साथ टेलीफोन पर बातचीत की। कमर्शियल पायलट लाइसेंस के लिए प्रक्रिया को लचीला, कमी दूर करने में सुगम बनाया गया, नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने कहा। बांदा में गायों को किया जिंदा दफन, ट्वीट कर प्रियंका गांधी ने सीएम योगी के साथ पीएम मोदी से गौहत्या पर पूछा सवाल। राज्यसभा सांसद संजय राउत पर मुकदमा दर्ज, महिलाओं के लिए अभद्र टिप्पणी का आरोप। पत्नी बेटी और बेटे की हत्या करने वाले कानपुर के प्रोफेसर का मिला शव, 9 दिन से था लापता। कोरोना अपडेट में बीते 24 घंटे में देश में 7,350 नए मामले, 202 मरीजों की मौत हुई। यूके के पीएम का कहना है कि ओमिक्रॉन सीओवीआईडी स्ट्रेन के अनुबंध के बाद एक व्यक्ति की मौत हो गई। गुरुग्राम में करोड़ों रुपए की चोरी में डॉक्टर से लेकर आईपीएस तक शामिल हुई गिरफ्तारी। मेड प्लस हेल्थ सर्विस का आईपीओ सब्सक्रिप्शन के लिए खुला। काशी अविनाशी है, यश शिवाजी जैसे नेताओं की वीरता औरंगजेब द्वारा विनाश देखा गया, पीएम मोदी ने कहा। पॉल्यूशन के कारण दिल्ली में अभी ट्रकों की एंट्री पर जारी रहेगा प्रतिबंध। यूपी में कल कुशीन बाबरी मस्जिद किसने तोड़ी, क्या सपा बसपा ने इस पर कभी सवाल किया, नहीं क्योंकि मस्जिद मेरी थी, असदुद्दीन ओवैसी ने दौरे पर कहा। अखिलेश यादव ने कहा, 2 दिन में सभी 7 विधानसभा दौरे पर निकालेंगे विजय यात्रा। ओवैसी का अखिलेश पर वार, बोले दूध मलाई तुमने खाया और भैंस बकरी चोरी में आजम जेल में। दिल्ली हवाई अड्डे ने निर्बाध यात्रा के लिए ई बोर्डिंग गेट लगाए। भारतीय ऑपरेटरों के लिए COR SIA ऑफसेटिंग आवश्यकताएं 2027 से लागू होंगी, नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने कहा। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को समाजवादी पार्टी ने बताया अपना, अखिलेश यादव बोले हमारी सरकार में शुरू हुआ था काम। गांधी के नाम पर तो बहुतों ने सत्ता पाई लेकिन उनका सपना अब जाकर साकार हुआ, काशी में बोले सीएम योगी आदित्यनाथ। अमेजॉन ने दिया लोगों को झटका, 50% महंगा हुआ प्राइम सब्सक्रिप्शन। होम आइसोलेशन में करीना कपूर कोरोना पॉजिटिव होने के बाद घर हुआ सी। हरनाज के मिस यूनिवर्स बनने पर इसराइल कनेक्शन को लेकर उठे सवाल।
प्रदूषण से एनसीआर का बुरा हाल, ईंट भट्टों को बंद करने में विफल रहने पर यूपी के दो डीएम को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भेजा अवमानना नोटिस। मिताली राज को मिला मेजर ध्यानचंद खेल रत्न। पाकिस्तान की जमात ए इस्लामी पार्टी ने इस्लामाबाद में किया गवादर अधिकारियों का विरोध। फर्जी दस्तावेजों से बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं को विदेश भेजने के मामले में सरगना समेत 9 गिरफ्तार। ईडी ने अतीक अहमद की 8.14 करोड़ की संपत्ति कुर्क की। सेंसेक्स 503 अंक गिर कर 58,283 पर, निफ्टी 17,368 पर समर्थन स्तरों से ऊपर है। बीएसपी की सरकार से पहले ही बंद हो चुकी थी चीनी मिले, हमने हमेशा किसानों का ध्यान रखा। जेपी नड्डा के बयान पर मायावती का पलटवार। आइए जानते हैं 14 दिसंबर का क्या है इतिहास। सबसे पहले बात करते हैं 1948 की, जहां सिंधुताई सबकाल के रूप में अनाथों की माता भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता और सामाजिक कार्यकर्ता भी जाने जाती थी। आपको बता दें कि आज उनका जन्मदिन है। 1981 में दूसरी अंतरिक्ष यान मिशन कोलंबिया 2 पृथ्वी पर लौटी। तो ये थी अब तक की बड़ी खबरें। आगे खबरों के लिए बने रहिए द फुलझड़ी के साथ और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।